So, what's up guys? क्या हाल है आप लोगों का? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। बाकी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे बोर्डो हमारा और सुजुकी गॉड का रीइंकार्नेशन हो सकता है, और हम जोगान के बारे में कुछ चीजें भी जानेंगे। सो बिना जोगान को बोर्डो से अल्लग करे, चलिए शुरू करते हैं। सो बोल्टो का जोगान जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था, उसे काफी सारे लोग एनिमे कैनन मानते हैं, क्योंकि इस प्योर आई को अभी तक बोल्टो मांगा में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है, जिसे देख लोग बिलीव करते हैं कि ये दो जुत्सु बस एनिमे तक ही लिमिटेड रहेगा। पर हाउएवर बोल्टो मांगा के चैप्टर 55 में हमें ओत्सुत्सुकी गॉड का पैनल दिखाया गया था, जिसके बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो हमें काफी सारा जोगान दिखाई देता है, जो एक थ्योरी को बिल्ड करता है कि बोल्टो एक चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है, जिसे ओत्सुत्सुकी गॉड ने चूज किया है और उसका जोगान उसे लीड करेगा इन एडवेंचर बियॉन्ड द सिनोबी वर्ल्ड। पर क्या ये थ्योरी सच में प्रूव करता है कि बोल्टो का प्योर आई डायरेक्टली कनेक्ट करता है ओत्सुत्सुकी गॉड से? सो इफ अगर हम बोल्टो मांगा के चैप्टर 1 में ध्यान से देखें, तो इट्स रियली हार्ड टू गेस कि बोल्टो के राइट आंख में ब्याकुगान था या फिर था जोगान। और वहीं अगर हम बोल्टो के कैप की बात करें, तो उसका कैप का कलर चेंज हो गया था जब ये सीन गॉट एनिमेटेड इनटू द एनीमे, जहां चांसेस ये निकल के आता है कि बोल्टो का चैप्टर 1 बहुत रश्ड में बनाया गया था, और इसी वजह से इट लैक्ड सो मच डिटेलिंग। और सीन का फाइनलाइज वर्जन जो हमें दिखता है एनिमे में, वहाँ हमें दिखाया गया जोगान को, जो बहुत ही मिस्टीरियस होता है पूरे बोल्टो कम्युनिटी के लिए। और यहाँ मैं आप सबको बता दूं कि ओत्सुत्सुकी गॉड का पैनल जो हमें दिखाना चाहिए था एनिमे में, वो हमें दिखाया ही नहीं गया, जो पूरे बोल्टो फैंस का खून खोला देता है। और अब ये कहना कि जोगान बस एनिमे कैनन है और ओत्सुत्सुकी गॉड बस मांगा कैनन है, तो इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। जहाँ हम ये बिलीव कर सकते हैं कि क्योंकि एनिमेटर्स वर रनिंग लेट इन टाइम, एज वो लोग 2 ईयर्स लॉन्ग मांगा कंटेंट को 6 मंथ के अंदर अडॉप्ट कर रहे थे। और यहाँ हम आते हैं मैन सवाल पे कि क्या जोगान का कोई कनेक्शन हो सकता है ओत्सुत्सुकी गॉड के साथ? तो यहाँ एक थ्योरी ये आता है कि बोल्टो हमारा रीइंकार्नेट हो सकता है ओत्सुत्सुकी गॉड का, जहाँ इशिकी ओत्सुत्सुकी के अकॉर्डिंग वेरियस प्लैनेट से चक्र फ्रूट्स को कंज्यूम करने के बाद ही वो लोग बन सकते हैं ओत्सुत्सुकी गॉड, और यही सारे ओत्सुत्सुकी का मिशन होता है इन देयर लाइफ। और अगर हम कहें कि कहीं पे ऐसा एक ओत्सुत्सुकी गॉड है जिसने बोल्टो को चूज किया है फॉर हिज पावर, जो सेंस भी बनाता है। पर यहाँ और एक थ्योरी ये भी आता है कि काफी सारे ओत्सुत्सुकी बन सकते हैं ओत्सुत्सुकी गॉड बाय कंज्यूमिंग चक्र फ्रूट्स फ्रॉम वेरियस प्लैनेट्स, और इन ओत्सुत्सुकी में से एक ओत्सुत्सुकी ऐसा होगा जो ओत्सुत्सुकी गॉड बनने के बाद बाकी सारे ओत्सुत्सुकी गॉड के साथ कंफ्लिक्ट में आ जाता है, जहाँ उस ओत्सुत्सुकी को ऐसा लगता है कि दूसरे प्लैनेट्स को जाके डिस्ट्रॉय करके चक्र फ्रूट कंज्यूम करना शुड बी एंडेड, जिसके बाद मुझे लगता है कि वो ओत्सुत्सुकी अपना डिवाइन पावर का यूज करके रिबॉर्न होता है एक ह्यूमन पे, जो होता है हमारा बोल्टो उज़ुमा की। सो गाइस, यही था कुछ थ्योरी जिससे हमें पता चलता है कि बोल्टो इज द रीइंकार्नेशन ऑफ द ओत्सुत्सुकी गॉड। और हाँ गाइस, चाहते चाहते सब्सक्राइब करके जाना, क्या पता बोल्टो का जोगान मांगा में अवेकन हो जाए।